नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजेश। देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है। आवश्यक सेवाओं को इस लॉकडाउन से अलग रखा गया है। लॉकडाउन फर्स्ट के बाद जो लॉकडाउन शुरू हुआ उसमें जो 20 अप्रैल के बाद थोड़ी छूट मिली थी, बिहार में थोड़ी छूट दी गई थी कि आवश्यक सेवाओं को उसमें उससे दूर रखा जा सके। इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं कि लॉकडाउन में शिक्षा लॉकडाउन ना हो जाए, इसके लिए निजी विद्यालयों ने एक अलग ही तरीका अपनाया है और वो है ऑनलाइन शिक्षा का। ऑनलाइन शिक्षा जो विद्यालय अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, उसका कारण यह है कि बच्चे अपने सिलेबस में पिछड़ ना जाए, उन्हें उनकी पढ़ाई पीछे ना छूट जाए। इसको स्कूल अपने तरीके से पूरा कर रहा है। खास बात यह देखी जा रही है कि जो विद्यालय हैं वो बच्चों को इस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जहां एक घर में दो दो बच्चे हैं, तो उन लोग का समय को ऐसा कोऑर्डिनेट किया गया है कि उनको परेशानी नहीं हो। या अमूमन होता ऐसा है कि एक घर में एक मोबाइल से ज़्यादा नहीं हो पाता, कुछ ही जगह ऐसे हैं जहाँ पर कि दो तीन मोबाइल होते हैं और बच्चे अलग अलग पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जगह पर ऐसा देखा जाता है कि घर में एक मोबाइल है और बच्चे दो हैं, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, अलग अलग क्लास में पढ़ रहे हैं, उसको लेकर उनकी पढ़ाई में दिक्कत ना हो। तो समय का भी स्कूल प्रबंधन ने ख्याल रखा है और उसको लेकर एक रूटीन बनाया गया है जिस पर पढ़ाई हो रही है। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं जमुई के एक प्रतिष्ठित निजी विद्यालय में, टीआर नारायण हेरिटेज स्कूल है, यहाँ पर हम मौजूद हैं और देख सकते हैं आप कि जो स्क्रीन पर शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर भरपूर ख्याल रखा गया है। बच्चे ऑनलाइन हैं, पढ़ रहे हैं बच्चे, सब अपने अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर बच्चे बैठे हैं, पढ़ाई हो रही है और इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि उन्हें कोई कठिनाई नहीं हो। अगर कठिनाई होती भी है तो उनसे पूछा जा रहा है कि क्या कठिनाई है, अगर कोई कठिनाई है तो वो अवश्य बताएं। ऑनलाइन के जरिए ही बच्चों को होमवर्क भी दिया जा रहा है, पढ़ाई के साथ साथ होमवर्क भी दिया जा रहा है ताकि वो उसे पूरा करें। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि पढ़ाई लॉकडाउन में भी जारी है। निजी विद्यालय इसके लिए प्रयासरत हैं। टीआर नारायण हेरिटेज स्कूल में अभी हम मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई पूरी कराई जा रही है। यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्रीन पर बच्चे मौजूद हैं, सर भी हैं, पढ़ाई चल रही है। हम बात करते हैं कुछ बच्चों से, क्या फील कर रहे हैं, कैसी पढ़ाई चल रही है लॉकडाउन की स्थिति में, हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हेलो, हमारी आवाज़ जा रही है आप तक? हेलो, प्रियांशु, देश में लॉकडाउन की स्थिति है, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? प्रियांशु, आवाज़ जा रही है हमारी? हमारी आवाज़ जा रही है प्रियांशु आप तक? प्रियांशु, आवाज़ हमारी जा रही है आप तक? अच्छा, कैसा फील कर रहे हैं? लॉकडाउन की स्थिति है देश में, ऑनलाइन क्लास हो रहा है, स्कूल बंद है, तो क्या ऐसे में आप लोगों को पढ़ाई में मदद मिल रही है? यस सर, बहुत मदद मिल रही है। जैसा कि हमें पता है कि अभी बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, वैसा में स्कूल ऐसा कर रहा है ऑनलाइन क्लासेस, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है और हमारे पढ़ाई को भी इस मतलब इस खतरनाक सिचुएशन से कोई हमारी पढ़ाई को भी ज़्यादा गंदा असर नहीं कर रहा है हमारे स्कूल के इस हेल्प से। स्थिति अगर ज़्यादा लंबी होती है लॉकडाउन का, जैसा कि चल रहा है देश में, हो सकता है कि लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाए, वैसी स्थिति में क्या इस तरह की पढ़ाई से सिलेबस पूरा हो पाएगा? यस सर,
यस सर, हमारे टीचर बहुत ही अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और मुझे तो लगता है हो जाएगा। अच्छा, तो ये थे प्रियांशु, 10th क्लास में पढ़ते हैं। और अभी हम और कुछ बच्चों से बात करेंगे, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या स्थिति है। अभी ये क्या नाम हुआ आपका स्क्रीन पर? भूमिका का नाम आ रहा है, भूमिका से जानना चाहेंगे। भूमिका, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? अच्छा, कैसा फील कर रही हैं? लॉकडाउन की स्थिति है, पूरा देश बंद है। मैं पूरा फील कर रही हैं, ये ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है स्कूल। हेलो, स्थिति है तो कैसा फील कर रही हैं? ये ऑनलाइन क्लास चल रहा है, आप कैसा महसूस कर रही हैं, कैसा लग रहा है? चलिए, देश में पूरा देश लॉकडाउन, बिल्कुल बिल्कुल, पर सब लोग चाह रहे हैं, पूरा देश यही चाह रहा है कि जल्दी से इस बीमारी का कहर कम हो, ये बीमारी ख़त्म हो और सब लोगों की ज़िंदगी फिर सुचारू हो जाए। तो आप लोगों के लिए भी शुभकामना है, जल्द से जल्द ये ख़त्म हो और फिर जो रूटीन जनरल चल रहा था, जिस तरह से चल रहा था, नियमित चल रहा था, वो हो। तो ये थी हमारे साथ, कुछ बच्चे थे हमारे साथ जो बता रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस से उन्हें क्या किस तरह से फ़ायदा हो रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जो एक शिक्षक जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं टीआर नारायण के हेरिटेज स्कूल के, हम उनसे भी बात करते हैं कि क्या किस तरह से पढ़ाई हो रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम AK सिंह हुआ। अच्छा, अभिमन्यु कुमार सिंह। अच्छा सर, ये क्या सर, किस तरह की, क्या कुछ कठिनाई तो जरूर हो रही है, लेकिन किस तरह की कठिनाई हो रही है, क्या कुछ किया जा रहा है? थोड़ी बहुत कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होता है तो कठिनाई होती है, लेकिन बच्चों का प्रॉब्लम सारा सॉल्व हो रहा है। होमवर्क भी बच्चे बना रहे हैं, अच्छे ढंग से बच्चे बना रहे हैं होमवर्क। आई हैव टेकन द फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट। तो ये पूरा जो प्रॉपर जैसे चलता है क्लास में पढ़ाई होती थी, उस तरह से आप ऑनलाइन तो पढ़ाई करा रहे हैं, होमवर्क भी बच्चों को दे रहे हैं, तो क्या उसका जांच फिर कैसे कर पा रहे हैं सर? हाँ, होमवर्क बच्चे जो ये इस पर स्क्रीन पर ही वो होमवर्क ये मन दिखा देते हैं और उसी पर हम होमवर्क को देख लेते हैं। धन्यवाद। तो देखा आपने, इस तरह से पढ़ाई ऑनलाइन निजी स्कूल की चल रही है और बच्चों से भी हमारी बात हुई, शिक्षक से भी बात हुई। कठिनाई तो थोड़ी ज़रूर हो रही है लॉकडाउन लेकर के, बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उनका सिलेबस पीछे ना रह जाए, समय पर उनकी पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके लिए ये पूरी तरह से प्रयासरत हैं और भरपूर सहयोग बच्चों और शिक्षक दोनों के तरफ से मिल रहा है। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं जूनियर क्लास में, जहाँ पर क्लास चल रहा है, जूनियर क्लास हो रहा है टीआर नारायण स्कूल का, ये जूनियर क्लास है। मैम है यहाँ पर, हम बात करते हैं उनसे भी किस तरह से पढ़ाई चल रही है और क्या हो रहा है। मैम, आप क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम कोर्णा घोष बर्मन है। अच्छा, तो अभी किस क्लास का ये चल रहा है? फिलहाल हम UKG का एक राइम सेक्शंस दिखाएंगे। छोटे बच्चे हैं वो लोग, अभी घर में हैं, वो लोग को दिक्कत हो रही है, स्कूल नहीं आ रहे, बोरिंग फील कर रहे, तो थोड़ा एक्शन राइम्स अगर दिखाएंगे तो वो लोग को इंटरेस्ट फील होगा, तो उसी का तैयारी कर रहे हैं सर। तो बच्चों का क्या पूरा सहयोग मिल रहा है, बच्चे आ रहे हैं क्लास में? एकदम सर, पूरा बच्चे लोग आ भी रहे, इंटरेस्ट भी शो कर रहे, बहुत अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है हम लोग को, इसके लिए पेरेंट्स भी बहुत खुश है इसके लिए। कठिनाई क्या क्या हो रही है मैम? सर, प्रॉब्लम जो हो रहा है, नेटवर्क इश्यूज हो रहा है थोड़ा बहुत हम लोगों को, उसके अलावा जो होमवर्क हम लोग दे रहे हैं कभी कभार वो लोग प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, पर मेजॉरिटी बच्चे हम लोग को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। मेजर प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं हम लोग वो सिर्फ नेटवर्क इश्यूज ही है और कुछ नहीं है सर। तो अभी जो ये क्लास हो रहा है, किस क्लास का बच्चे को आप कर रहे हैं? ये हम UKG का कर रहे हैं, छोटे बच्चे लोग के लिए एक राइम सेक्शंस करेंगे आज हम वो लोग को दिखाने के लिए। तो देखा आपने, ये जूनियर बच्चों का क्लास चल रहा है, UKG का क्लास अभी चल रहा है, कुछ कठिनाइयाँ ज़रूर हो रही है, नेटवर्क का प्रॉब्लम बराबर बीच में व्यवधान डाल रहा है,
तो ये भी जरूर है, लोग कहना जरूर चाह रहे हैं, शिक्षक लोग कहना चाह रहे हैं कि नेटवर्क का प्रॉब्लम अगर सुधर जाए तो पढ़ाई और निर्बाध चलता रहेगा।